नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 फिजिक्स चेप्टर नंबर 11 मा आज लेक्चर छे मित्रों तीजो। आजना लेक्चर नी अंदर आपणे 11.4 टॉपिक आदर्श वायु समीकरण अने निरपेक्ष तापमान वच्चे नो संबंध मेळवीशुं। मित्रों पहला तो आदर्श वायु समीकरण केवी रीतना बने छे एना विशे माहिती आपीए। तो आपेला जथ्थाना जे जथ्थो आप्यो छे एटले के दळना वायुनी वर्तणूक दबाण कद अने तापमान त्रण भौतिक राशि दबाण कद अने तापमान पी वी अने टी जेवा चल वडे वर्णवी शकाय छे के आपेल जथ्थाना दळना वायुनी वर्तणूक कणा वडे दबाण कद अने तापमान वडे समजावी शकाय। ज्यारे तापमान अचल राखवामां आवे छे त्यारे आपेला जथ्थाना वायुनुं दबाण अने कद वच्चेनो संबंध पीवी बराबर अचल छे। आ संबंध ने बॉयलर नियम कही है। शोर्ट में बॉयलर नियम शू कहवा अचर तापमान कोई पण वायु निरपे मतलब वायु दबा तेना कदना क्या प्रमाण में कही है अपने व्यस्त प्रमाण में कही एना पर पी चले वन अपॉन वी पर पीवी बराबर अचर जेने बॉयलर नियम कहे पहले बॉयलर नियम त्यार पछी चार्ल्स नो नियम। अचर दबाने आपेला जत्थाना वायु कद अने तापमान वच्चे नो संबंध V upon T बराबर अचर छे। आ संबंध चार्ल्स ना नियम तरीके जानीतो छे। काय नियम तरीके? चार्ल्स ना नियम तरीके। पूर्ती ओछी घनता वाला वायु आ नियम नु पालन करे छे। ओछी घनता वाला वायु नी अंदर ज बॉयलर ने चार्ल्स ना नियम नु पालन थाय छे। एटले बे नियम आई गया PV बराबर अचर अने V upon T बराबर अचर। माटे आपेला जथ्थाना वायु माटे PV बराबर अचर अने V upon T बराबर अचर होय तो पी वी अपॉन टी ए अचर थई सके। पी वी अपॉन टी पण शुं थाय अचर थई सके। माटे आ संबंध आदर्श वायु नियम तरीके जाणीतो छे। आ जे संबंध लाया पी वी अपॉन टी बराबर अचर ए आदर्श वायु ना नियम तरीके जाणीतो छे जेने वधु व्यापक स्वरूपे पण लखी शकाय छे के जेथी आपेला जथ्थाना कोई एक वायु माटे नहीं कोई एक वायु माटे नथी आवुं परंतु कोई पण जत्थाना कोई पण मंद वायु ने लागू पाड़ी सकाय छे। कोई पण मंद वायु ने तमे लागू पाड़ी सको छो जेने आदर्श वायु समीकरण कहे छे। जेने शुं कहीए छे? आदर्श वायु समीकरण कहे छे। माटे पीवी अपॉन टी बराबर अचर अचर नी जगह शुं लखे आ म्यू आर एटले पीवी बराबर म्यू आर टी जे आदर्श वायु समीकरण छे। मित्रों ज्यां म्यू ए आपेला वायुना मोल नी संख्या छे અને આ રે વાયુનો સાર્વત્રિક નિયતાંક જેનું મૂલ્ય 8.31 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ લઈએ જે એમસીક્યુ માટે ખાસ મિત્રો યાદ રાખવાનું છે। તો આ તા આદર્શ વાયુનું સમીકરણ કેવી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે કેવી રીતના મેળવી શકાય એના વિશે આપણે સમજાવ્યું। હવે જુદા જુદા તત્વોના તાપમાન દબાણ વચ્ચેનો સંબંધ આપણે મેળવીશું। જુદા જુદા પ્રવાહીના ઉષ્મીય પ્રસરણના ગુણધર્મો જુદા જુદા હોવાના કારણે प्रवाही काच थर्मोमीटर वडे मपेला तापमानोना नियत बिंदुओ करता जुदा होय छे। नियत बिंदु तमने खबर छे एक तो ठारण बिंदु 0 सेल्सियस अने उत्कलन बिंदु 100 सेल्सियस हता एना करता जुदा जोवा मळे छे तो एनो आपणे अभ्यास करीए। परंतु कोई पण वायुनो उपयोग करीने बनावेल वायु थर्मोमीटर वडे तापमानना मूल्यो समान मळे छे। कोई पण वायुनो उपयोग करीने बनावेल वायु थर्मोमीटर वायुनो जे थर्मोमीटर बनायु छे एना वडे तापमानना मूल्य आपणे केवा जोवा मळे छे समान जोवा मळे एमां बदलाता नथी। पण जो प्रवाहीना थर्मोमीटरनो उपयोग करीए तो एमां जुदा जोवा मळे छे। प्रयोग दर्शावे छे के ओछी घनता धरावता बधा ज वायुनो प्रसरण वर्तणूक समान होय छे। ओछी घनता वाला दरेक वायुनी प्रसरणनी वर्तणूक केवी छे समान जोवा मळे छे। माटे आदर्श वायु समीकरण पीवी बराबर म्यू आर टी पर थी अपने कही सकते पीवी चले छे टी। आ संबंध तापमान ना मापन माटे अचर कद वायु थर्मोमीटर केवा माटे अचर कद वायु थर्मोमीटर मा वायु नो उपयोग करवानी स्वीकृति आपे छे। एटले कद अचल है तो पी चले छे टी केवाय। माटे वायु नो कद अचर राखवामां आवे त्यारे पी चले छे टी मले छे। शुं मले? पी चले छे टी। दबाण तेना निरपेक्ष तापमान ना क्या प्रमाण में कहवाय सम प्रमाण में होय छे। अने गेल्युसिक नो नियम पण मित्रों कही सकाय। माटे
आ रीते अचर कद वायु थर्मोमीटर वडे मपायेला तापमान दबाण ना पदमा पण मळे छे। तापमान क्या पदमा मळे छे? दबाण ना पदमा मळे छे। माटे आ किस्सामां दबाण विरुद्ध तापमानो आलेख दोरवामां आवे तो ते आकृति ए मां कई आकृति ए मुजब सुरेख मळे छे। केवो मळे छे? सुरेख। तमे अहींया जोई शको छो आकृति ए दबाण विरुद्ध तापमानो आलेख। तो जेम जेम जीरो सेल्सियस होय तो कई पोताना वायुनुं शुं होय? दबाण होय छे। 100 सेल्सियस दबाणमां वधारो थाय पण घटाडो माइनसमां तापमान लावो तो माइनसमां शक्य नथी बनतुं। परंतु एने शुं करीए छे? डॉटेड वडे लंबाई त्यारे एक्स अक्ष ने क्यांक छेदे छे अने ए छेदे एटले ए पॉइंटनुं मूल्य तमने केटलुं जोवा मळे छे मित्रो? -273.15 सेल्सियस। एनो मतलब के आटला सेल्सियस तापमाने दबाण केटलुं थाय? शून्य थाय छे। दबाण शून्य थाय त्यारे तापमान केटलुं? -273.15 सेल्सियस जेटलुं होय छे। ए आकृति ए परथी कीधा। हवे ए ज वस्तु नीचा तापमाने वास्तविक वायु माटे मेळवेला मापनना मूल्यो नीचा तापमाने एटले जेम जेम घटाडता जाय तापमान नीचू जाय मापनना मूल्यो आदर्श वायु माटे अनुमान करेला मापन करता थोड़ूक जुदू पड़े छे सामान्य जुदू पड़े छे। परंतु तापमानना मोटा विस्तार माटे संबंध केवो छे? ऊंचा तापमान माटे संबंध केवो जोवा मळे छे? रेखीय संबंध होय छे। जो वायु पोतानुं वायु स्वरूप जाळवी राखे तो तेना तापमानमां घटाडो करता वायु स्वरूप जाळवी राखीने तापमानमां घटाडो करता दबाण शून्य थई शके छे। शुं थई शके? दबाण शून्य थई शके छे। क्लियर? तो ए दबाणनी वात करी। हवे ए ज आलेख आकृति बी मां तमे जोई शको छो जुदा जुदा वायुओ लई अने प्रयोग करवामां आव्यो त्यारे पण एनी वर्तणूक तमे अभ्यासमां जुओ छो। तो अहींया दरेक वायुनी अभ्यासमां वर्तणूक जुदा जुदा पॉइंटे तमे तापमानने वायु ए माटे लई लो वायु ए माटे लईए तो आ रीते जोवा मळे। पछी वायु बी माटे लई लो आ रीते वायु बी माटे एमां पण बधानो जे शरूआत दबाण शून्य थाय छे त्यारे पॉइंट जे छे ए केवो मळे छे? -273.15 सेल्सियस जोवा मळे छे। एक ज होय छे जे कदी बदलातो नथी मित्रों। तो क्लियर? तो अहीं आकृति बी सुधी समजाव्या। हजी लेक्चर आगळ चालू छे मित्रों, तमारी नोटबुक में लखी तैयार करजो। आगळ लेक्चर चालू छे तो जोता रहेजो। चलो मित्रों ध्यान रखो आकृति बी आपने समझाई तो जुदा जुदा वायुओ माटे ए बी सी माटे एनु दबाण शून्य करिए त्यारे तापमान केटलुं मळे छे? 273.15 सेल्सियस जोवा मळे छे। तो आकृति बी मां दर्शाव्या मुजब सुरेख आलेखने पाछळ लंबावामां आवे तो आदर्श वायु माटे तेनुं मूल्य तापमान अक्षने -273.15 सेल्सियस पासे मळे छे। दरेक वायुने तमे लंबाव કેટલા જોવા મળે છે? 273.15 સેલ્સિયસ પાસે મળે છે જે આદર્શ વાયુ માટે નિરપેક્ષ લઘુત્તમ તાપમાન છે। કયું તાપમાન? જે નિરપેક્ષ લઘુત્તમ તાપમાન છે અને નિરપેક્ષ શૂન્ય તરીકે ઓળખાય છે। આકૃતિ બી પરથી જોઈ શકાય છે કે ઓછી ઘનતાવાળા અને જુદા જુદા ઉષ્મીય પ્રસરણ ધરાવતા વાયુઓ માટે સમાન નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન મળે છે। કેવું મળે છે? સમાન નિરપેક્ષ શૂન્ય तापमान मिले छे। माटे कही सकते ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विने दर्शाव्यु के केल्विन तापमान मापक्रम अथवा निरपेक्ष तापमान मापक्रम नो आधार निरपेक्ष शून्य छे। कोना ऊपर छे? निरपेक्ष शून्य। -273.15 सेल्सियस पर शुं कहेवाय? निरपेक्ष शून्य तापमान पर कहेवाय। केम? तो एने जीरो केल्विन तरीके पर लई शकीए छे। क्या केल्विन तरीके? जीरो केल्विन तरीके। ओके नथी मित्रों? जीरो केल्विन तरीके लईए छे। माटे आ मापक्रम पर -273.15 सेल्सियस ने शून्य बिंदु तरीके पण लेवामां आवे छे एटले के जीरो केल्विन कहे छे जे आकृतिमां आपणे दर्शावे छे। आ परथी समीकरण माटे वात करीए तो अहींया समीकरणोनी वात करी छे तो केल्विन तापमान मापक्रम माटेना एकमनुं परिमाण सेल्सियस डिग्री जेटलुं समान होय छे। माटे केल्विन मापक्रम कैपिटल टी अने सेल्सियस मापक्रम टीसी वच्चेनो तापमान नो संबंध टी बराबर
टीसी प्लस 273.15 कही धारो कि सेल्सियस आप केल्विन करवा हो तो प्लस 273.15 करो, केल्विन आप सेल्सियस करवा हो तो माइनस 273.15 करवाना है। तो आ समीकरण तापमान फेरनहाइट नु पण याद रखो, आगर आपने समझायेलू आगे लेक्चर में टीएफ बराबर 32 9/5 टीसी समीकरण नो उपयोग करीए छे। हवे एनी आकृति अहींया तमने समझाई छे, त्रण पॉइंट लीधा छे, निरपेक्ष शून्य तापमान, ठारण बिंदु अने उत्कलन बिंदु। पहेलो सेल्सियस मापक्रम तमे जाणो छो, निरपेक्ष शून्य तापमान केटलुं लाया -273.15 अंश सेल्सियस, ठारण बिंदु पानी नु 0 अंश सेल्सियस एटले के बरफ, वरा नु उत्कलन बिंदु 100 अंश सेल्सियस पानी नु ज कहेवाय, एटले के तमारो सेल्सियस मापक्रम थई गयो। હવે એમાંથી તમારે કેલ્વિન કરવા છે તો અહીંયા મૂકો, પેલા -273.15 + 273.15 તો 0 કેલ્વિન આવી ગયા, ટીસી ની જગ્યાએ 0 + 273.15 તો 273.15 કેલ્વિન, એ રીતે અહીંયા મૂકો 100 સેલ્સિયસ + 273.15 તો 373.15 કેલ્વિન થાય, તો આ કેલ્વિન માં પ્રમાણ મળી ગયા। હવે ફેરનહાઇટ માં મેળવવા હોય તો સેલ્સિયસ ની કિંમત અંદર મૂકવી પડે, ધારો કે 0 નું સમજાવું છું, અહીંયા 0 મૂકી દેલો, પાછળનો ભાગ આખો શું થઈ જાય મિત્રો 0, એટલે ટીએફ બરાબર કેટલા થયા 32 અંશ ફેરનહાઇટ, 100 મૂકવા તો 100 મૂકો, 100 મૂકશો તો 5 × 20 × 9 9 × 2 = 18 180 + 32 212 અંશ ફેરનહાઇટ, આગળના લેક્ચરમાં ગણતરી દર્શાવેલી છે, અને છેલ્લાની ગણતરી તમે જાતે ઘરેથી ગણવી લેક્ચર જોઈને, -273.15 મૂકજો × 9/5 એટલે આગળ માઇનસ આવશે, 32 પ્લસ કરવાના છે એટલે જવાબ મળશે આપણને -459.69 અંશ ફેરનહાઇટ મળે છે। તો આ ફેરનહાઇટના માપક્રમ ત્રણે દર્શાવે, નિરપેક્ષ તાપમાન એટલે નિરપેક્ષ શૂન્ય, ઠારણ બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ, આ રીતે એની કોઈ પણ તમને મૂલ્ય આપે તો તમે સેલ્સિયસ નું કેલ્વિન અથવા ફેરનહાઇટ માં કરી શકો, કેલ્વિન આપ્યા હોય તો સેલ્સિયસ ફેરનહાઇટ માં કરી શકો, ફેરનહાઇટ આપ્યા હોય તો એના સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન માં રૂપાંતર કરી શકો, એકબીજામાં રૂપાંતર તમે આરામથી કરી શકો છો, બે સમીકરણ તમને યાદ હોવા જોઈએ, એમ બંનેનો ઉપયોગ કરી તમે એમસીક્યુ અને કોઈ પણ જગ્યાએ બારની એક્ઝામમાં તમે આ કેલ્વિન સેલ્સિયસ માપક્રમનો ઉપયોગ કરી તમે સરળતાથી એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય છે મિત્રો। તો અહીંયા આપણું 11.4 ટોપિક હતો, આદર્શ વાયુ સમીકરણ નિરપેક્ષ તાપમાને આખી ઘટના અહીંયા તમને સમજાવી દીધી છે મિત્રો, તમારી નોટબુકમાં લખી મિત્રો તૈયાર કરજો, આગળના લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે તમારી મુલાકાત કરીશું, થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આભાર।